हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजाता चौहान एक बार फिर आप सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज का जो चैप्टर है उसका टाइटल है द नेकलेस और इसे लिखा है गाइडी मापासा ने। ये है ऑथर इसके जिन्होंने इसे लिखा है, राइटर है ये। ये थर्ड वीडियो है, आइए दोहरा लेते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा सेकेंड वीडियो में। दे कुड गेट इट फॉर 36,000 और लॉयसर इस हार को 36,000 फ्रैंक्स में खरीद सकता था, परंतु लॉयसर के पास इतने पैसे नहीं थे। लॉयसर पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स विच इज फादर हैड लेफ्ट हिम। लॉयसर के पास सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स थे, वो भी उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे। ही बोरोड द रेस्ट और उसे बाकी जितना भी था 18,000 के अलावा जितने भी पैसे थे वो उसको उधार लेने पड़े लैंडर्स से। ही मेड रुइनस प्रॉमिसेस, टुक मनी फ्रॉम यूजरर्स एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स और उसको बाकी की मनी लेने के लिए, लोगों से उधार लेने के लिए प्रॉमिसेस करने पड़े जो कि बहुत ही बर्बाद कर देने वाले प्रॉमिसेस थे। और सभी लैंडर्स से उसने पैसे लिए और प्रॉमिसेस किए उसने, और जो उसकी लाइफ को बर्बाद करने वाले प्रॉमिसेस थे। व्हेन मैम लॉयसर टुक बैक द जूल द मैम फॉरेस्टर द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रिजिड टोन, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। और जब मिसेस लॉयसर वो ज्वेलरी वो नेकलेस लेके जाती है मिसेस फॉरेस्टर के पास, तो मिसेस फॉरेस्टर उससे बोलती है बड़ी ही फ्रिजिड टोन में, उससे थोड़ा गुस्सा होते हुए चिड़चिड़े से भाव में बोलती है कि तुम्हें ये मेरे को जल्दी ही वापस कर देना चाहिए था, क्योंकि इसकी मुझे आवश्यकता हो सकती थी, मुझे इसकी आवश्यकता पड़ सकती थी, इसलिए तुम्हें जल्दी देना चाहिए था। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द जूल बॉक्स एज मैम लॉयसर फियर्ड शी वुड, और जैसे कि मैडम जो लॉयसर है वो डर रही थी कि कहीं वो ये ओपन करके ना देख ले ज्वेलरी का जो बॉक्स है, और डर रही थी कहीं वो पहचान ना ले कि ये चेंज किया हुआ है हार, लेकिन ऐसा नहीं किया मैडम फॉरेस्टर ने और उसने वो खोलकर ही नहीं देखा। वट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, और मैडम लॉयसर सोच रही है कि क्या होगा अगर उसने पहचान लिया कि ये हार वह हार नहीं है जो उसने दिया था, वो बदला हुआ हार है, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। वट शुड शी से और वो क्या कहेगी मेरे बारे में। वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर, क्या वो मुझे एक लुटेरी समझेगी कि इसने हार बदल दिया। मैडम लॉयसर नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, और अब मैडम लॉयसर जान गई थी जो भयानक लाइफ है नेसेसिटी की, जरूरतों की जो लाइफ है वो उस बारे में अब जान चुकी थी, उस लाइफ को अच्छी तरह से वो समझ चुकी थी। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली, जबकि उसने अपना इस लाइफ को जीने में पार्ट जो अदा किया वो एक हीरो की तरह उसने ये पार्ट अपना अदा किया और अच्छी तरह से ये लाइफ जी उसने। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, और ये अब जरूरी था जो ये कर्जा था उसको लिया हुआ कर्जा था उसे पे कर दिया जाए, ये बहुत ही आवश्यक था। शी वुड पे इट और वो उसे पे करेगी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने अपनी जो नौकरानी थी उसे भी वापस भेज दिया, उसको कह दिया कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना घर बदल दिया, जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे वो छोड़ दी जगह उन्होंने। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और किसी की छत पर उन्होंने कुछ एक कमरे ले लिए, एक आधा कमरा वहाँ पर लेकर वो अब गुजारा कर रहे थे अपनी लाइफ में। शी लर्न द ऑडियस अनप्लेजेंट हेटफुल डेट इज नॉट लाइक, और ये वर्क होता है जो पसंद नहीं करने वाला काम था उसको, जो किचन के काम वो पसंद नहीं करती थी, अब वो काम करने लगी, वर्क ऑफ ए किचन, अब वो किचन के काम करने सीख गई। शी वॉश द डिशेज, अब वो बर्तन मांजने लगी। शी वॉश द सॉइल लिनन देयर क्लॉथ्स एंड डिश क्लॉथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और अपने बर्तन साफ करने लगी, कपड़े धोने लगी, किचन के काम आने वाले जो कपड़े होते हैं उनको भी वो धोने लगी, और उन सबको वो एक तार पर एक लाइन में सूखने के लिए डाल देती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और अब वो सुबह
हर सुबह अपनी घर का कूड़ा जो था वो इकट्ठा करके नीचे गली में डालने जाती और वहाँ से फिर पानी भरकर ऊपर लाती। हर सीढ़ी पर वो सांस लेते हुए, हाँफते हुए, आराम करते हुए वो अब पानी ऊपर लेके आने लगी अपने घर के लिए। एंड क्लोथ लाइक ए वूमेन ऑफ द पीपल, और आम लोगों की जिस तरह से आम गृहणियाँ कपड़े पहनती है, अब वो उसी तरह से आम कपड़े पहनने लगी। शी वेंट टू द ग्रॉसर्स, द बूचर्स एंड द फ्रूटर्स विद हर बास्केट, और हर आम शॉपिंग और शॉपिंग करने के लिए जाने लगी, सब्जी वालों पर, मीट वाले पर, फ्रूट वाले पर। अपनी बास्केट उसके हाथ में होती थी और शॉपिंग के लिए जाने लगी उन सब पर। हैगलिंग टू द लास्ट सो, और हैगलिंग मीन्स द एक्ट ऑफ आर्ग्यूइंग ऑन द प्राइस ऑफ थिंग्स। अब वो बार्गेनिंग करने लगी एक छोटे छोटे पैसे को बचाने के लिए, एक एक पैसे का छोटी से छोटी अमाउंट को बचाने के लिए बार्गेनिंग करने लगी बूचर से, ग्रॉसर से। टू द लास्ट सू, और लास्ट सू एक छोटी पैसे की अमाउंट है ये फ्रेंड्स से, जो छोटा है वो सू बोलते हैं वहाँ पर। ऑफर मिजरेबल मनी, अपने द्वारा जो उनको बड़ी मुश्किल से ये पैसा कमाया जा रहा था उनके द्वारा, तो उसके एक छोटे से छोटे सू को बचाने के लिए वो अब बार्गेनिंग करना सीख गई थी। द हस्बैंड वर्क ई मीन्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, और हस्बैंड जो थे वो शाम तक काम करते थे किसी मर्चेंट के यहाँ और उनकी बुक्स को अरेंज करते थे, ऑर्डर लगाते। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 500 a page, और रात को वो एक 500 में कॉपी करने का काम करते थे पेजेस को। और अब रातों काम करने लगा उसका हस्बैंड भी, दिन में किसी मर्चेंट के यहाँ और रात को कॉपी करने का पेज के 500 मिलते थे उनको, वो काम करने लगे वो। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और ये सब लाइफ उनकी जो मिजरेबल लाइफ थी पूरे 10 साल उनकी ये चली। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और 10 साल बाद उन्होंने सारा कर्जा उतार दिया और उनकी अब लाइफ स्मूथ होने लगी। मैम लॉयसल सीम्ड ओल्ड नाउ, परंतु मैडम लॉयसल जो थी अब वो बूढ़ी लगने लगी थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ट वुमेन, द क्रूड रूड एंड ऑफेंसिव, ये मीनिंग देता है क्रूड का, जो क्वलसम लड़ाकू, रूड सी वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, जो गरीब घरों की औरतें होती हैं वो बिल्कुल उस तरक्की से बन चुकी थी, र्यूड हो गई थी, बात बात पे गुस्सा करने लगी थी, देखने में भी अब वो इतनी जवान नहीं रही थी। अब उसको गरीबी का पता लगने लगा था कि क्या चीज़ है, लाइफ कितनी मिजरेबल है, वो सब वो चीज़ें सीख गई थी, एक गरीबी का जीवन व्यतीत करने लगी थी वो। तो इसी हिसाब से अब वो सुंदर भी नहीं रही थी, इतनी उसकी लाइफ जो थी भर गई थी दुखों से, तो उस हिसाब से उसकी चेंजेस आ गई थी, तो वही सब यहाँ पर डिस्कस किया है। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल पहले वो बड़ी बनठन के रहती थी अब, लेकिन उसके बाल भी बिखरे रहते हैं। स्कर्ट अरे, उसकी स्कर्ट भी ठीक नहीं होती थी, और हर हैंड्स रेड, हाथ लाल हो गए थे। शी स्पोक इन ए लाउड टोन, जोर जोर से बोलने लगी थी। एंड वॉश द फ्लोर विद लार्ज पेल ऑफ वाटर, और फर्श धोती थी बाल्टियाँ भर भर के पानी डालने से। एक नॉर्मल लाइफ जीने लगी थी जो एक आम औरतें जीती हैं, आम घरों की, जो सिंपल सी घरों की औरतें होती हैं, जिस तरह से वे काम करती हैं, जिस तरह से वे बोलती हैं, ड्रेसअप होती हैं, वो लाइफ अब लॉयसल जीने लगी थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, शी वुड सिट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स। परंतु जब कभी उसके हस्बैंड ऑफिस के काम से बाहर होते थे, तो कभी कभी खिड़की पर बैठती और उस दिन के बारे में सोचती जब वो पार्टी हुई थी, जब उसको उस इवनिंग के बारे में सोचती जब वो बॉल डांस उसने किया और उस पार्टी में वो गई थी। ऑफ डैट बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, उस पार्टी के बारे में जहाँ पर वो इतनी सुंदर लग रही थी, इतना उसको सब लोग कह रहे थे कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, इतनी उसकी चापलूसी की जा रही थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कि कितना अच्छा होता कि यदि वो उस पार्टी में उस नेकलेस को ना खोती, कितनी उनकी लाइफ अलग होती। हू नोस, कौन जानता था इस बात को। हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कितनी अलग होती लाइफ उनकी और कितनी चेंज होती उनकी लाइफ अगर वो नेकलेस ना खोती। हाउ स्मॉल ए थिंग विल रूइन सेव वन, और कोई भी
छोटी सी चीज किस तरह से किसी को बर्बाद कर सकती है, किस तरह से रुइन कर सकती है लाइफ को, वो सब वो सोचती है. वन संडे एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक इन द, और एक संडे जब वो घूमने गई चैम्प एलिसिस में, चैम्प एलिसिस वहाँ एक जगह है पेरिस में, ये देख सकते हैं आप, द मोस्ट फेमस एवेन्यू, देखने वर्ल्ड में फेमस एवेन्यू है ये. और वहाँ पर घूमने गई, जब वो अपनी तमाम सप्ताह की टेंशनों से दूर होकर वहाँ पर घूमने जाती थी वो, तो जब वो गई वहाँ पर, शी सडनली परसीव्ड ए वुमन वॉकिंग विद ए चाइल्ड, उसने एक औरत को देखा जो एक बच्चे के साथ वहाँ पर टहल रही थी. इट वॉज मैम फॉरेस्टर, और ये मैम फॉरेस्टर थी उसकी फ्रेंड जिससे उसने नेकलेस उधार लिया था. स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव, वो अभी भी खूबसूरत लग रही थी, अभी भी जवान थी, अभी भी अट्रैक्ट कर रही थी दूसरों को. मैम लोएसल वॉज अफेक्टेड, और मैम लोएसल उससे बड़ी ही अफेक्टेड हुई, उससे प्रभावित हुई. शुड सी स्पीक टू हर, यस सर्टनली, और सोचती है कि क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, और फिर अपने आप विचार करती है कि हाँ अवश्य बात करनी चाहिए उससे. And now what she had paid, she would tell her all. और जो उसने भुगता लाइफ में वो सब उसने उसको कह दिया. Why not she approached her, और क्यों ना कहे, और उसको अप्रोच करती है. ये सब सोच रही है कि क्यों ना मैं इसको सारा कुछ बता दूँ, लाइफ में क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, और वो उसको फिर बुलाती है. Good morning, Jenny, और कहती है Jenny, good morning. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiar addressed by this common personage. और Mrs. Forrester बड़ी ही चंबित हो जाती है कि इतनी friendly manner में कौन उसको बुला रहा है, जबकि वो उस औरत को नहीं जानती, कि इतने मतलब उसको इतनी friendly manner में कोई, जैसे उसकी friend उसको बुलाती हो, ऐसे कौन है ये औरत जो उसको बुला रही है. She stammered, but madam, I do not know. और वो हकलाते हुए कहती है कि मैडम मैं आपको नहीं जानती, कोई गलती हुई है, you must be mistaken, आपको कोई गलती हुई है. No, I'm Matilda Loisel. और Matilda कहती है कि नहीं मुझे कोई गलती नहीं हुई, मैं Matilda Loisel हूँ. Her friend uttered a cry of astonishment. और वो अचंभित हो जाती है, चौंक जाती है, और कहती है कि तुम, एकदम अचंभे में आके थोड़ा वो बोलती है उससे. ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, कहती है कि ओ मेरी प्यारी मैटिल्डा, तुम कैसे बदल गई, तुम कितनी बदल गई हो, कैसे चेंज हो गई हो तुम. यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और कहती है कि हाँ मेरे पे कुछ थोड़े बुरे दिन चले हमारे, थोड़े बुरे समय रहा हमारे पास, और ये थोड़े दिन रहा हमारे पास, और ये मुश्किल दिन सब तुम्हारी वजह से. Because of me, how is that? और कहती है मिस फॉरेस्टर कि मेरी वजह से किस तरह से, मेरी वजह से कैसे तुम्हारे पर बुरे दिन आ गए. You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball, कि तुम्हें याद है जो तुमने मुझे नेकलेस दिया था मिनिस्टर की बॉल डांस पार्टी में पहनने के लिए. Yes, very well, कहती है हाँ हाँ बिल्कुल. Well, I lost it, कहती है कि मैंने उसे खो दिया था. How is that since you returned it to me? कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुमने उसमें बॉल डांस में उस नेकलेस को खो दिया था, तुमने तो वो मुझे वापस कर दिया था. I returned another to you exactly like it, कहती है कि मैंने तुम्हें उसी जैसा बिल्कुल हूबहू दिखने वाला नेकलेस वापस दिया था, वो मेरे से खो गया. And it has taken us 10 years to pay for it, और उस नेकलेस की कीमत चुकाते चुकाते हमारे 10 साल बर्बाद हो गए, उस कीमत ने हमारे 10 साल ले लिए. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, और तुम ये बात समझ सकते हो कि तुम हमारे लिए कितना मुश्किल होगा हुआ होगा उस नेकलेस की पेमेंट करना जिनके पास कुछ भी नहीं था, तो कितना मुश्किल समय हमारे पास उस नेकलेस की पेमेंट के लिए आया. बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और अब वो हमने सारा पे कर दिया है, अब वो सारा उधार हमने दे दिया है, और अब मैं संतुष्ट हूँ. मैम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, और मैम फॉरेस्टर यहाँ पर थोड़ी सी रुकती है और बड़ा ही अफसोस जाहिर करती है. शी सेड यू से डैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, कि तुमने कहा कि तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा मेरे नेकलेस को की जगह वापस करने के लिए, उसके बदले में मुझे देने के लिए.
Yes, you did not perceive it then. तुमने हाँ, मैंने नया necklace खरीद के तुम्हें दिया और तुमने उस समय उसको नहीं देखा। तुमने उसके बारे में नहीं जाना कि ये बदला हुआ necklace है उस समय। And she smiled with proud and simple joy. और वो मुस्कुराती है थोड़ा joy में और proud में थोड़ा। मैम फॉरेस्टर मास्टर्स एंड टू बॉथ हर हैंड्स, और वो बहुत ही टच हो जाती है इस बात से कि कितनी मेहनत करी उसने इसके लिए, पे करने के लिए कितने उस पर बुरे दिनों का उसने सामना किया, और मेरे सिंपल उसको नेकलेस को लौटाने के लिए। और वो खुशी भी थी उसको और दुख भी था, और वो अपने हाथों में मैडम लॉयसल के हाथ ले लेती है और उसे कहती है, ओ माई पुअर मैटिल्डा, ओ मेरी प्यारी गरीब मैटिल्डा, माई वर फॉल्स, मेरा तो नकली नेकलेस था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स के अलावा ज़्यादा का नहीं था, उसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक्स ही थी। और यहीं पर हमारा थर्ड वीडियो समाप्त होता है, इसी के साथ साथ ये लेसन भी यहीं पर समाप्त होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सबसे जल्दी ही मिलूंगी, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।